हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड मैं हूं आपके दोस्त परेश। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं विस्तरा एयरलाइंस की सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब की वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, जो बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट वाला एक जॉब है। तो आप अगर विस्तरा एयरलाइंस की जॉब में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों को मैं विस्तरा एयरलाइंस की सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब पोजिशन के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे आप लोगों को मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रोल के बारे में बताऊंगा एंड कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बताएंगे। सो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एविएशन की नए नए जॉब्स के अपडेट मिलने के लिए। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विस्तरा एयरलाइंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए हम लोग के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे जाके ये नोटिस आप लोग देख सकते हो एंड ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। सो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपके पास अगर बीटेक या एमसीए की आपके डिग्री कंप्लीटेड है तो आप डेफिनेटली ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो है आपके एक्सपीरियंस इन टूल्स लाइक JIRA, नेक्स्ट है आपके एक्सपीरियंस इन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नॉलेज ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल लाइक सेलेनियम, एंड नेक्स्ट यहाँ पे एयरलाइंस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो आपके पास अगर एयरलाइंस की एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है ये कोई ग्राउंड सब जॉब नहीं है, ये एयरलाइंस के ऑफिशियल जॉब है जो एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करता है। तो आईटी रिलेटेड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है डेफिनेटली ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में या जॉब रोल आपके क्या रहेगा एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन विस्तरा एयरलाइंस। सो पहले जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैनेज ऑल क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑल फेसेस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट डेफिनेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो जॉब रोल के बारे में बताऊंगा तो आप लोग देख सकते हो परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी टेस्टिंग यूजिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टूल्स प्रोसेस, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सो ये सारे जॉब रोल के बारे में आप लोगों को भी पता होना चाहिए। सो अगर ये सारे जॉब के रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया आपने अगर चेक कर लिया एंड आप अगर सोचते हो कि ये जॉब के लिए आप डेफिनेटली एप्लीकेबल हो एंड आप विस्तरा एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड ये वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए ना आपके कोई फीस देना पड़ेगा, ना कोई एजेंसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, डायरेक्टली आप लोग एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद ये सारे डिटेल्स आप लोगों को दिखेगा। अप्लाई नाउ बोल के जो ऑप्शन है या क्लिक हेयर बोल के जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों को क्लिक करके फिर आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन पेज में जाएगा एंड वहां पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे अप्लाई की जो पेज है एयरलाइंस के वो पेज ओपन हो गया। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है, और अगर आपके पहले एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पासवर्ड आप लोगों को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन की पेज ओपन हुआ यहाँ पे देख सकते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव आईटी डिपार्टमेंट की जॉब है एंड यहाँ पे आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को आपको रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपके कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपके प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। एंड उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियसली अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब किए हो तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एड में क्लिक करने के बाद पूरा यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप दो या तीन कंपनी में जॉब किए हो, आपके एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एड एड करके हर एक कंपनी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लैंग्वेज की नॉलेज के बारे में आपको मेंशन करना है। यहाँ पे एड करके आप इंग्लिश हिंदी जो भी आपके लैंग्वेज आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्पीकिंग परफॉर्मेंस या आपकी रीडिंग परफॉर्मेंस या राइटिंग परफॉर्मेंस ये सारे यहाँ पे मेंशन कीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके अदर्स जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे हर एक फील्ड मैंडेटरी है, बट अगर ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको कुछ मेंशन करना है जो NA से आपको मेंशन करना है। तो एड्रेस लाइन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है, करेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अदर डिटेल्स में आपके जो अदर्स इंफॉर्मेशन है लाइक आपके जेंडर आइडेंटिफिकेशन
मार्क्स, नेशनलिटी, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करना है। अगर पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप यस नो पे क्लिक कीजिए, पासपोर्ट नंबर, आपके आधार कार्ड नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल्स में भरना है आपको। उसके बाद सोर्स डिटेल्स में हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसीज, ये यहाँ पे मेंशन करना है। इनका वेबसाइट से या कोई एम्प्लॉय से आपको पता चला, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय से पता चला तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, एम्प्लॉय की कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके जॉब रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है, कितने कंपनी में आपने पहले जॉब किए हो, यहाँ पे टोटल आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नोटिस पीरियड में हो या नहीं, ये सारे चीज यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड डिक्लेयर बोल के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद जिस टाइम आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो वो टाइम वो डेट यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद डिड यू नो एक्सपीरियंस, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन मैनुअल ऑटोमेटेड टेस्टेड यूजिंग सेलिनम एंड इक्विवेलेंट वेब टेस्टिंग टूल्स, तो आपके अगर सेलिनम के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली Yes, no पे क्लिक करके फिर आपके यहाँ पे व्यू प्रोफाइल कर सकते हो, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल को पहले सेव करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा जिसके थ्रू आपके एप्लीकेशन आईडी के बारे में पता चलेगा। ये छोड़ के भी आप इस अकाउंट में फिर से लॉग इन करने के बाद आप एप्लीकेशन के स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हो। याद रखिए यहाँ पे विस्तर एयरलाइंस अभी एक्सपीरियंस कोई हायर कर रहे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई कीजिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को विस्तरा एयरलाइंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव जॉब्स के लिए अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आपको अगर केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए एंड वहां पे केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ की जो प्ले लिस्ट है वो मैं डाल के रखा हूँ, वो चेक करके आप केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने की आपकी कोई जरूरी नहीं है, आप खुद ही इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो प्रिपरेशन के बाद। सो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा विस्तर एयरलाइंस की जॉब में अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।